के लिए आप नजर बनाकर रखें, आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। तो राज्यसभा चुनाव में बसपा का को बड़ा झटका लगा है। समाज बसपा के विधायक, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में नवंबर के शुरुआती दिनों में होने वाले राज्यसभा चुनाव के पहले बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बसपा के 8 विधायकों के बगावत पर उतर जाने के बाद बसपा की ओर से प्रत्याशी रामजी गौतम की उम्मीदवारी पर संकट खड़ा हो गया है। सबसे पहले बीएसपी के 5 विधायक आज सुबह अचानक विधानसभा में अपना प्रस्ताव वापस लेने पहुंचे। कुछ देर बाद अखिलेश यादव से मुलाकात भी हुई। विधायकों का आरोप है कि विधानसभा में बिना इजाजत फर्जी हस्ताक्षर करवाया गया। उधर विधायकों ने खुद की जान को खतरा भी बताया है और बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा पर संगीन आरोप लगाए हैं। इस बीच बसपा नेता लालजी वर्मा ने विधायकों के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि सभी प्रस्तावक विधायक विधानसभा में थे मौजूद। उन्होंने विधानसभा के सीसीटीवी फुटेज चेक कराने की बात भी कही। वह इनकम टैक्स विभाग ने आज बसपा सांसद मलूक सिंह नागर के ठिकानों पर छापा मारा। छापेमारी नोएडा से लेकर हापुड़ तक की गई है। जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी की है। हापुड़ में कुचेसर चोपड़ा रोड पर दूध प्लांट पर इनकम टैक्स विभाग ने जैसे ही छापेमारी की, चारों तरफ लोग वहां अलर्ट मोड में आ गए। दूध का ये प्लांट बसपा नेता मलूक सिंह नागर का है। इनकम टैक्स विभाग की टीम ने मलूक सिंह नागर के बाबूगढ़ स्थित आवास पर भी छापा मारा। भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे इनकम टैक्स विभाग की टीम ने प्लांट और आवास को चारों तरफ से घेर लिया। दोनों स्थानों पर किसी के भी आने जाने पर रोक लगा दी गई। छापेमारी की सूचना मिलते ही वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। इनकम टैक्स विभाग की टीम ने यहां दस्तावेजों की भी जांच की। हापुड़ के साथ ही इनकम टैक्स विभाग की टीम ने बसपा नेता मलूक सिंह नागर के नोएडा के सेक्टर 55 स्थित आवास पर भी छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग की रेड आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई है। आपको बता दें कि बिजनौर से बसपा सांसद मलूक सिंह नागर के बड़े भाई लक्कीराम नागर भी पूर्व की बसपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। मलूक सिंह नागर राजनीतिज्ञ के अलावा बड़े व्यापारी भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। खबर चंदौली से, जहां सघन चेकिंग अभियान के दौरान दो ज्वेलरी तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक जब्त ज्वेलरी की का वजन करीब 2 किलोग्राम है। बाजार में इसकी कीमत 1 करोड़ आंकी जा रही है। भारी मात्रा में सोने की इस ज्वेलरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर जब्त किया गया है। त्योहारी सीजन होने के कारण इन दिनों जगह जगह सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इसी सिलसिले में करीब 2 किलोग्राम ज्वेलरी जब्त की गई है। जीआरपी और आरपीएफ के जवानों ने इस ज्वेलरी के साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान उनके पास एक काला बैग मिला था जिसके अंदर एक बॉक्स में सोने की ज्वेलरी रखी थी। पकड़े गए दोनों युवक पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर के रहने वाले हैं, जो इस ज्वेलरी को दिल्ली लेकर जा रहे थे। इनके पास से बरामद ज्वेलरी की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए की जा रही है। पकड़े गए लोगों के पास से ज्वेलरी से संबंधित कोई भी कागजात नहीं मिला है। एबीपी गंगा के लिए चंदौली से शशांक की रिपोर्ट। तो करीब 2 किलो सोने के आसपास ज्वेलरी जो है वो बरामद हुई है, जिसकी करोड़ों में कीमत बताई जा रही है। वहीं गाजियाबाद में आज रेलवे ट्रैक पर एक बाइक इंजन में फंस गई। जी हां, सुनने में ये बड़ा ही चौंकाने वाला वाकया लगता है, लेकिन मसूरी इलाके के आकाश नगर में ऐसा हुआ। बड़ी मुश्किल से बाइक सवार की जान बाल बाल बची। रेलवे ट्रैक पर खड़ा इंजन और इंजन के नीचे बाइक, तस्वीर जितनी दिल दहला देने वाली है उतनी ही ये सोचने पर विवश करती है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। भला रेलवे ट्रैक पर इंजन के नीचे बाइक कैसे आ गई। हादसे की तस्वीर गाजियाबाद के थाना मसूरी इलाके के आकाश नगर इलाके की। दरअसल यहां सड़क पर काम चल रहा है, जिसके चलते यहां रास्ते बंद थे। उसी दौरान एक युवक बाइक लेकर रेलवे ट्रैक से गुजरने लगा, तभी अचानक से ट्रेन आ गई तो युवक बाइक ट्रैक पर ही छोड़कर भागा, जिसके बाद ट्रेन के इंजन के नीचे बाइक फंस गई। बाइक को कड़ी मशक्कत के बाद निकाल तो लिया गया, लेकिन इस दौरान करीब 2 घंटे तक ट्रैक बाधित रहा। लोगों का मजमा लग गया और बाइक की हालत क्या हुई यह आपके सामने है। लेकिन गनीमत इस बात की रही है कि बाइक सवार युवक बाल बाल बच गया। एबीपी गंगा के लिए गाजियाबाद से विपिन तोमर की रिपोर्ट। तो इंजन में फंसी बाइक और हादसे में बाल बाल बची युवक की जान। खबरों में बढ़ेंगे आगे। खबर शामली से, जहां आज एक महिला ने अपने पति के खिलाफ हंगामा कर दिया। महिला का आरोप है कि उसके पति का किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध है। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
सदर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला ने अपने ही पति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महिला के साथ पुलिस भी पहुंची है और साथ ही मोहल्ले के लोग भी जमा है। महिला के मुताबिक उसके पति का किसी दूसरी महिला के साथ करीब 1.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है। महिला को जब पता चला कि उसका पति उस महिला के साथ उसके घर पर है तो वो पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गई और हंगामा कर दिया। परेशान महिला करीब 3 घंटे घर के बाहर बैठी रही, लेकिन अंदर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद घर का दरवाजा खुलवाया। पीड़ित महिला का पति पेशे से डॉक्टर है और दोनों की शादी करीब 18 साल पहले हुई थी। आरोपी पति को घर से निकालने के बाद उसे हिरासत में ले लिया है। दूसरी तरफ पीड़ित महिला न्याय की गुहार लगा रही है और अपने पति की संपत्ति में हिस्सा मांग रही है। एबीपी गंगा के लिए शामली से पंकज की रिपोर्ट। उधर श्रावस्ती में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। 1.5 साल का एक बच्चा खेलते खेलते अचानक गायब हो गया। गांव के लोगों से लेकर पुलिस बल तक बच्चे की तलाश में जुटा हुआ है, लेकिन बच्चे का सुराग नहीं लग रहा है। इकोना क्षेत्र के सोरपुर में मजरा कासिम बनकटी के इन खेतों में पिछले 3 दिनों से इसी तरह सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हर खेत, उसकी पगडंडी और जंगल में लापता बच्चे की तलाश की जा रही है, लेकिन बच्चे का कहीं कोई अता पता नहीं चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मासूम के परिजनों और गांव वालों के साथ पुलिस का एक दल भी पूरे लाव लश्कर के साथ बच्चे की तलाश में जुटा है। इसके बावजूद बच्चे के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। बच्चा पिछले 25 तारीख से लापता है। बताया जा रहा है कि बच्चा दिन के करीब 3:30 बजे अपनी दादी के साथ खेत में गया था। इसी दौरान वो गायब हो गया। बच्चे की हर तरफ तलाश की, लेकिन ये बच्चा जब नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस अब नदी, नाले, गड्ढे, तालाब सभी जगहों पर बच्चे की खोजबीन कर रही है, लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं लग रहा है। बच्चे के नहीं मिलने से परिजन परेशान है और गांव वाले हैरान। हालांकि पुलिस ने अब भी हार नहीं मानी है। पुलिस का मानना है कि बच्चे की तलाश हर हाल में की जाएगी। एबीपी गंगा के लिए श्रावस्ती से अम्मार रिजवी की रिपोर्ट।